जैसे बाकी विद्वानों ने भी ये बोला है, मैं उसको एंडोर्स करता हूं कि आप ज्यादातर एक बार योगी, दो बार भोगी और तीन बार रोगी। तीन बार खाने की जो पद्धति, जो मतलब अंग्रेजों को गए हुए हैं, 75 years हो गए, हम आज तक ये ब्रेकफास्ट लंच डिनर में फंसे हैं, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और हम भारतीय परंपरा में आए, जो 2 जून भोजन की बात होती है, वो 2 जून भोजन ही करें, स्थितियां बहुत ठीक हो जाएंगी और बहुत सी चीजें होंगी नहीं जो आज हो रही हैं। तो ये बहुतायत है फूड की, जिससे बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं यही बोलना चाहूँ, वो जो अवधेश जी ने कहा है कि एक बार योगी, दो बार भोगी और तीन बार रोगी, बिल्कुल ठीक है। जैसे हमारे नेचर केयर में हम यही कहते हैं कि सुबह अच्छे फल, रसदार फल 12 बजे तक वही खाइए, एज पर योर रिक्वायरमेंट, जरूरत है जरूर खाइएगा। दोपहर को थोड़ा सा खाना, जो मुट्ठी भर अनाज है वो खाइएगा, और रात का खाना 7 बजे से पहले पहले, बिस्तर पे जाने से पहले 2-3 घंटे पहले अगर जरूरत है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिना भूख के खाना अपने आप को रोगयुक्त करना। और हम कहते हैं अभी हमें खाने का वही है, जब हम सभी डेवलप हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, तो जितनी टूट फूट हो, जैसा हमारे काम है, शारीरिक काम है, ज्यादा काम कर रहे हैं, जितनी वीयर्ड ईयर हो, उसके साथ साथ हम भोजन अगर लेंगे तो मेरा मानना है कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमें ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं है। ओवर ईटिंग क्रिएटिंग ऑल दी प्रॉब्लम, वो फायर जो सेंसेस हैं, ज्यादा फ्यूम्स वाले खाने ले रहे हैं, ज्यादा मसाले वाले खाने लें, वही गड़बड़ करते हैं। रॉ फूड तो गड़बड़ करता ही नहीं है। कि स्वस्थ रहें तो नेचर के साथ, प्रकृति से दूर विकृति, अभी सीजन चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हमारे फल सब्जियां आएंगी वही हमको लेना है, और उसके ऊपर कुछ डालने की जरूरत नहीं होती, कुदरत ने हर चीज कंप्लीट दी हुई है, हर चीज कंप्लीट दी हुई है, उसमें एडिंग की जरूरत ही नहीं है। एडिशन करके हम अपने स्वाद के अनुसार कर रहे हैं, वही गड़बड़ कर रहा है। अगर सादा भोजन, ब्लैंड भोजन लेंगे तो ज्यादा ना खाया जाएगा ना बीमारियां। तो इसलिए मेरा यही सबसे एक अनुरोध है कि खाना तभी खाइएगा जब भूख हो, अगर पेट खराब है तो एक उपवास करिएगा, ताकि जो जीवनी शक्ति है, जो हमारा सारा कार्य करती है, हमारे पाचन का, असिमिलेशन का, निष्कासन का, जो भी सारा काम, वो जीवनी शक्ति ही करती है। दैट इज हिडन पावर इन द बॉडी, इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज फ्रॉम राइट फ्रॉम अवर बर्थ। जीवन होता है तो ही हम चल रहे हैं ना, खाना तो बाद में आया। तो इसलिए मेरा ये होगा कि खाने के ऊपर ज्यादा जोर ना दें, जितने खाने की वैरायटी आ रहे वही इंग्रेडिएंट, उनको निम्न मात्रा में जरूरत के अनुसार लेंगे तो बीमार होंगे ही नहीं। अब आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस से हमारे किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल से अपना आयुर्वेदिक इलाज शुरू करवा सकते हैं। अगर आप पंजाब स्टेट के सरकारी कर्मचारी हैं तो आप भी अपनी किसी भी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। हमारे पूरे भारत में 165 से अधिक शुद्धि आयुर्वेदिक क्लिनिक हैं। अपने नजदीकी क्लिनिक का पता जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें।